कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो महात्मा गांधी जी की कृपा से जवाहरलाल नेहरू उस समय अपने देश के मतलब भारत के सबसे बड़े नेता थे और एकमात्र रीजन यही था कि उनके पास कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को न नेहरू जी ने बनाया न तो उनके घर के किसी ने बनाया, उसको बनाया था किसी अंग्रेज ने। वह अंग्रेज इसलिए उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था ताकि वह भारतीयों की बातों को जान सके और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ये भारत के में जो ब्रिटिश राज था उनको ये चीज़ पता चल सके ताकि 1857 जैसी फिर से क्रांति न होने पाए। लेकिन जब नेहरू जी 1947 में भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, इस बीच उन्होंने 3 बार जो है भारत का लोकसभा का चुनाव जीता और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो लड़की रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पार्टी को धीरे धीरे टेक ओवर कर लिया लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। और उन्होंने भी कई बार भारत के प्रधानमंत्री वो भी बनी और कांग्रेस पार्टी मजबूत होती चली गई और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भारत में गरीबों की आवाज बनी। उनके मुकाबले में उस समय कोई नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी जीत थी वह 1984 में हुई थी और उस समय पर 84-85 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद सहानुभूति का वोट मिला। कुल 525 लोकसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को 408 सीटें मिली हुई थी, पूर्ण बहुमत लोकसभा के अंदर। लेकिन उसके बाद से जो है 1989 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी सिमटती चली गई, केवल 197 सीट उसको मिली और वहीं से कांग्रेस पार्टी का पतन होना शुरू हुआ। भाजपा के 2014 में चुनाव को जीतने से कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं खराब हुई, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 1989 के इलेक्शन के बाद से ही घटनी शुरू हो गई थी। और 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पीछे छोड़ दिया और इस तरह से सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा भी कांग्रेस पार्टी के पास से चला गया। और फिर 96 में इलेक्शन हुआ, 98 में इलेक्शन हुआ, 1999 में भी इलेक्शन हुआ लोकसभा का, इन सारे चुनावों में जो है कांग्रेस की सीटें घटती चली गई। 2004 में जब कांग्रेस ने यूपीए की मदद से जो है एनडीए को सत्ता से बाहर किया, उस समय पर भी कांग्रेस केवल 144 सीटें ही जीत पाई थी, केवल 144, जिसमें से जो है भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 144 सीट मिली थी। केवल 6 सीटों का अंतर था और उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और उसी के बाद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही यूपीए के माध्यम से। 2009 के भी चुनाव में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली और इस तरह से 2 कार्यकाल उनका रहा। लेकिन 2014 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को केवल 44 सीटें मिली, केवल 44 सीटें, और 2019 के चुनाव में केवल 52 सीटें मिली हुई हैं। तो 2024 का होने वाला है, कितना सीटें मिलेंगी ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते, बाकी जिस तरह से स्थिति बढ़ रही है 50-60 ही संख्या रहने वाली है। तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो गिरावट आई है यह गिरावट आज के 10 सालों का नहीं है, यह गिरावट जो है 1984-85 के इलेक्शन के बाद से ही गिरावट आ रही है और वह गिरावट लगातार बढ़ती चली जा रही है किसी न किसी तरह से। और ऐसी यह गिरावट है कि पहले तो इनका वोट परसेंटेज गिरा, फिर सीटों की संख्या हुई, आज की डेट में कांग्रेस के पास केवल 3 स्टेट में सरकार है जो कि खतरे में ही है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो देश की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो इतने सालों तक जो है भारत में राज की हो, आज वह अपने पतन के कगार पर खड़ी है। कारण एकमात्र है परिवारवाद। प्रधानमंत्री हो, पार्टी चीफ हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी गांधी नेहरू परिवार की ही बातें वहां पर चला रही है और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का पतन होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लीडर करप्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर अच्छे नहीं हैं, वे निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन उनका जो एक पायनियर, जो मार्गदर्शक है, जो उनका हाई कमान जिसको हम लोग बोलते हैं, वह उनके पास इसकी दिक्कत है, वहां डिसीजन मेकिंग की दिक्कत है। जब से सोनिया गांधी जी कांग्रेस में आई 1996 के इलेक्शन के बाद से, उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर चाटुकारिता का काम बहुत तेजी से चलने लगा। सोनिया गांधी जी को, उनके परिवार को वही नेता, वही लोग अच्छे लगने लगे जो कि चाटुकार थे और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सलाह से सारे काम होते चले गए। तो आज जो कांग्रेस की स्थिति है वह आज 10 सालों में इतनी नहीं बिगड़ी है, इसकी शुरुआत जो है राजीव गांधी जी के समय पर ही हो गई थी।